नमस्कार जयंत, आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपी नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में। इसके पहले जो आरंभिक टॉपिक था हमारा नदियों का, उसमें बताया था कि हिमालय नदियों में और प्रायद्वीपी नदियों में अंतर क्या है। हिमालय नदियाँ हैं, उनमें वर्ष भर पानी होता है, उन्हें सदा नीरा कहते हैं, उन्हें उनको बारहमासी कहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो नदियाँ हैं इनमें पानी की कमी होती है, ये पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है। तो परंतु ये अधिक प्राचीन प्रायद्वीपी नदियाँ, चाहे बंगाल की खाड़ी की हो या अरब सागर की, ये हिमालय नदियों से अधिक प्राचीन है। तो प्रायद्वीपी नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जिनको कहते हैं पूर्वी प्रवाह, बंगाल की खाड़ी जिनको कहते हैं पूरब की, मतलब बे नदियाँ जिनका प्रवाह पूरब की दिशा में होता है उनको पूर्वी प्रवाह कहते हैं, जबकि बे नदियाँ जिनका प्रवाह पश्चिम दिशा में होता है और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं पश्चिमी प्रवाह वह अरब सागर में गिरने वाली नदियों को। एक चीज़ याद रखना आप लोग कि ये जो नदियों का क्रम याद रखना, बस नीचे से ऊपर का क्रम कैसा रहेगा, इस प्रकार रहेगा। ये जो नदी है ना, ये ठीक है केरला की, केरल की एक नदी है, जो कि कहा जाता है कि ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, जिसे कहते हैं ठीक है भरत पूजा। कुछ पुस्तकों में पेरियार को भी कहा गया, कुछ पुस्तकों में क्या कि जो पेरियार है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है, वो केरल की जीवनदायिनी है, वो जीवन रेखा है जो कि सबसे ज़्यादा पानी, पीने का पानी उपलब्ध कराती है, और पेरियार। तो नीचे से आ जाओ, भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, अरब सागर में मर्ज होती है। पेरियार है, फिर पेरियार कहाँ से निकल रही है, ये केरल की पहाड़ियों से अन्नामलाई से निकल रही है, और अष्टमुदी झील में मुहाना बनाती है, अष्टमुदी झील में मुहाना बनाती है पेरियार। इसी को केरल की जीवनदायिनी कहते हैं। जीवनदायिनी का मतलब क्या अर्थ होता है कि सबसे ज़्यादा केरल में पीने का पानी उपलब्ध यही नदी कराती है, इसलिए इसको जीवनदायिनी कहते हैं। इसके बाद है कि कर्नाटक की नदी है, कर्नाटक में पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ठीक है ये शरावती नदी का ओरिजिनेशन होता है और अरब सागर में मर्ज हो रही है। इसकी विशेषता ये है कि शरावती की, कि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सॉरी सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कि शरावती पर, गरसोप्पा कहते हैं उसको, जोग कहते हैं उसको, महात्मा गांधी भी कहते हैं, ये शरावती नदी से कर्नाटक में। इसके बाद उत्तरी कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वहाँ से मांडवी नदी का ओरिजिनेशन हो रहा, और मांडवी नदी जब ऊपर की तरफ जाती है फिर गोवा में पहुँचती है, तो गोवा में सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र का सबसे ज़्यादा ठीक है बेसन का निर्माण करती है, द्रोणी का निर्माण करती है, तो इसलिए मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। तो इसकी बाबा बुदन की पहाड़ियों से उसका ओरिजिनेशन होता है मांडवी का। और एक गोवा की और सी नदी है छोटी वाली, है ज्वारी नदी, ठीक है ये गोवा की जिससे के लार्जेस्ट है रिवर है। इसके बाद फिर और उत्तर तरफ चलोगे आप तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ गया। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये ताप्ती नदी है, ठीक है। ताप्ती नदी की विशेषता ये है कि यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, और बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, खंबात की खाड़ी में ये मर्ज हो रही है। ताप्ती नदी क्या कर रही है कि फॉल्ट्स का निर्माण कर रही है, भ्रंश का निर्माण करती है। कैसा भ्रंश का निर्माण, कि सतपुड़ा के दक्षिण में और दक्कर के ऊपर ये प्रवाह करती है, बेसिन बना रही है, तो इसलिए ये मतलब कि दक्कन के पठार और सतपुड़ा के पठार के मध्य में बहती हुई भ्रंश का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, इवन पश्चिमी प्रवाह वाली दूसरी बड़ी नदी है। पश्चिमी प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर मुहाना बनाती है, यह नर्मदा। नर्मदा जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा ठीक है ना के नाम से जाना जाता है, अनूपपुर जिला है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिनेशन होता है, और पश्चिम की दिशा से बहती हुई खंबात की खाड़ी में कैम्पबेल की खाड़ी है, कैम्पबेल की खाड़ी वहाँ पर उसका ओरिजिनेशन ये मर्ज हो रही है। अच्छा, इसकी विशेषता ये है ताप्ती जो है ना, ताप्ती क्या कर रही है, काकरा पारा व उकाई बांध परियोजना का निर्माण कर रही है, काकरा पारा व उकाई ठीक है, जो कि गुजरात के पास में है। इसके बाद
ताप जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के मरकंटक से, नर्मदा नदी की विशेषता यह है कि इंदिरा सागर है, अंकलेश्वर है और सरदार सरोवर बांध है। अंकलेश्वर और सरदार सरोवर है ये गुजरात में है, तो जो सरदार सरोवर है ये चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात। तो गुजरात के पास में केवड़िया जगह का नाम है, वहाँ पर सरदार सरोवर डैम का निर्माण, वहीं पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 जिसकी हाइट है, विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी है, कि नर्मदा नदी के पास में ही है। तो खंबात की खाड़ी में स्थित है कैंबेल की खाड़ी, वहाँ पर ये मर्ज हो रही है नर्मदा। अब नर्मदा जैसी ओरिजिनेशन होती है ना, तो जबलपुर में भेड़ाघाट के पास ये दुग्ध धारा कपिल धारा वाटरफॉल का निर्माण कर रही है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा मध्य प्रदेश में, तवा है, हिरण है, वरना है और बंजर है। इसके बाद अब नर्मदा क्या कर रही है, भारत की एकमात्र नदी जो सबसे बड़े भ्रंश में बह रही है। कैसे भ्रंश में, कि नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है जबकि इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों के मध्य में भ्रंश का निर्माण कर रही है नर्मदा। इसके बाद आज विंध्याचल पर्वत से निकल रही है माही नदी, ये भी मध्य प्रदेश के देवास जिले से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, विंध्याचल पर्वत से। माही नदी की विशेषता यह है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को दो बार कैसे काटती है, जैसे कि ये कर्क रेखा है, एक बार निकलेगी दूसरी बार निकलेगी, ये कर्क रेखा को ये दो बार काट रही है। भारत की एकमात्र नदी है, खंबात की खाड़ी में यह अपना मुहाना बनाती है। माही नदी पर क्या है कि वन काबोरी व कदाना बांध है, परियोजना विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही है। इसके बाद अगली नदी है साबरमती, विंध्याचल पर्वत से अरावली पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मुहाना बना रही है। साबरमती के अहमदाबाद में जो महात्मा गांधी द्वारा निर्मित स्थापित है जो साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, ये वाला एरिया अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती तट पर। इसके बाद आ जाओ अजमेर से, मतलब कि अरावली पहाड़ी अजमेर से लूनी नदी निकल रही है, कच्छ में मुहाना बना रही है। लूनी नदी की विशेषता यह है कि इसको अंतस्थलीय नदी कहते हैं, कि वे नदियां जो मुहाने के पहले ही विलुप्त हो जाती हैं उनको अंतस्थलीय नदी कहती है। जैसे लूनी है, घग्गर है, सरस्वती है, ये सब कैसी नदियां हैं, अंतस्थलीय नदी हैं, मुहाने के पहले ही ये विलुप्त हो जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र का निर्माण कर रही है कौन सी, लूनी नदी। पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं, ये समस्त नदियां एस्टुरी का निर्माण करती हैं, सिर्फ लूनी नदी को छोड़ दो आप। एस्टुरी क्या है, एक संकीर्ण मुहाना है, क्योंकि पश्चिमी घाट कैसा कगारी क्षेत्र है, स्क्रैप है पूरा, तो नदियों का प्रवाह तेज है, बहाव तेज है, तो तेज होने के कारण टर्बाइन के थ्रू यहाँ पर जल विद्युत परियोजना होती है, ना कि तापीय। तापीय विद्युत परियोजना जहाँ पर जल और कोल का प्रयोग होता है, तापीय विद्युत परियोजना। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, एक तो क्या है वो जल विद्युत परियोजना का प्रभाव करती है, जहां पर कोयले का प्रयोग नहीं होता है, साथ ही साथ एस्चुरी का निर्माण कर रही है। सब एस्चुरी क्या है, एक स्थलाकृति होती है, भूआकृति होती है, इनका मुहाना कैसा होता है, संकीर्ण होता है, ठीक है, तो संकीर्ण मुहाने को ही एस्चुरी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कहां किसकी, अच्छा इनकी एक सहायक नदियां भी देख लो आप, नर्मदा तवा सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, नर्मदा नवा, ठीक, तवा है, हिरण है, वरना है और बंजर है। ताप्ती की कौन कौन सहायक नदियां हैं, पूर्णा है, बोरी है और पंजरा है। माही सोम अनास पनप, ये माही की है। लूनी सरस्वती और सारमती, चूंकि लूनी सरस्वती और सारमती दो सरिताओं की धारा को ही लूनी कहते हैं राजस्थान में। इसके बाद साबरमती याद आओ तो हाथमाटी है, बाकल है और बतरक है, ये इसकी साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो ये हमारी होगी कौन सी, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। अब हम बात करते हैं पूर्वी प्रवाह वाली नदियों की। पूर्वी चूंकि ये नदियों का प्रवाह इस तरफ क्यों है, क्योंकि ये नदियां क्या है कि पश्चिम घाट से ओरिजिनेशन हो रहा है, परंतु इनका जल का आकार है वो इस तरफ ज्यादा है, मतलब कि जो आकार है ना वो पूर्वी घाट के पास से ज्यादा हो, तो पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण पूर्वी जो तट है वो नीचे की तरफ कैसा हो गया, धस गया है, धसान हो गया, इसलिए इनका फ्लो पूर्वी तट तरफ घाट तरफ हो गया, इन नदियों का फ्लो।
अब देखते हैं कौन कौन सी नीचे। अच्छा इसका एक एक याद रखना कि क्रम याद रखना बस। तो क्रम कैसा, भरत पूजा है, पेरियार है, शरावती है, ज्वारी है, मांडवी है, ठीक है ना। इसके बाद फिर ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, शारमती है और लूनी है। ये साउथ से नॉर्थ का सिक्वेंस हो गया। इसका क्रम देखो आप, बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियों में क्रम देख लीजिए आप। सबसे पहले ताम्रपाणी है, ताम्रपाणी के बाद फिर बैगई है। ताम्रपाणी है जी पानी, जाप्ती शिवरा पानी, तीन पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, तो पानी पहाड़ी से निकल रही है और तमिलनाडु के पास में मुहाना बनाती है, जबकि बैगई है जो ये नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु में मुहाना बना रही है। ये कावेरी नदी आ रही है, कावेरी नदी पुष्प केरला में, कर्नाटक में पुष्पगिरी की पहाड़ियां हैं, यहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। अमरावती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, कावेरी की। कावेरी प्रायद्वीपी पठार की तीसरी बड़ी नदी है। कावेरी नदी प्रायद्वीप पठार की एकमात्र नदी है जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। कारण क्या है कि जब मानसून का आगमन होता है ना तो पश्चिमी घाट से हवाएं टकराती हैं और पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिनेशन होता है कर्नाटक की पुष्करी पहाड़ियों से, तो इसलिए इसको जल मिल जाता है। जब मानसून का निवर्तन होता है ना तो केवल मानसून लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल वर्षा कराता है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इसका मुहाना मर्ज हो रही है, तो इसलिए लौटती हुई मानसून से इसको ठीक है जल मिलता है। तो मानसून के आगमन और मानसून के निवर्तन में इसको सर्वाधिक जल मिलता है, इसलिए इसको दक्षिण की धार का कटोरा कहते हैं। सर्वाधिक जल इसी जो नदी को मिलता है, कावेरी को। तो कावेरी जो नदी है यह है दो द्वीप का निर्माण कर रही है, एक श्रीरंगपट्टनम मिलेगा, श्रीरंगपट्टनम फिर शिव समुद्र, दो द्वीप का निर्माण कर रही है कावेरी नदी कर्नाटक में, जो कि मैसूर वाला एरिया करता है। कावेरी नदी से मैट्टूर बांध परियोजना का निर्माण होता है, मैट्टूर बांध परियोजना। कावेरी नदी शिव समुद्रम जी जलप्रपात का निर्माण भी करती है कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण भी करती है। इसके बाद और उत्तर में चलो तो तुंगभद्रा आएगी, परंतु तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं कृष्णा की, तो कृष्णा निकल रही है पुणे में, महाबलेश्वर पर्वत है जो कि सह्याद्री के अच्छा है। सह्याद्री के तीन प्रमुख चोटियां हैं, अगर ऊपर से नीचे देखा जाए तो कलसुबाई आएगा, महाबलेश्वर आएगा और फिर आएगा कुद्रेमुख, ये आएगा। तो महाबलेश्वर पर्वत जो कि महादेव का ज्योतिर्लिंग है, यहां से कृष्णा का ओरिजिनेशन होता है। और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में ये मर्ज हो रही है। जो कृष्णा है इसकी एक पुणे से एक नदी और आ रही है, भीमा नदी, सेकेंड लार्जेस्ट इसकी स्थिति के सहायक नदी है भीमा, जो कि कृष्णा में मुहाना बनाती है महाराष्ट्र में। यह कृष्णा नदी जो है श्रीशैलम और नागार्जुन बांध परियोजनाओं का निर्माण कर रही है कृष्णा नदी, जबकि का ये गोदावरी है। अच्छा कृष्णा नदी प्रायद्वीपी भारत की दूसरी बड़ी नदी, तीसरी बड़ी नदी है कावेरी। अब आज आप गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से त्र्यंबकम पहाड़ी से 1465 की कुल लेंथ है। प्रायद्वीपी पठार की सबसे बड़ी नदी, इसको गुणी गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और यह है आंध्र प्रदेश में बंगाली खाड़ी में मर्ज होती है। इसकी आप बात करें तो एक बांध है, कौन सा, एनीकट बांध है। एनीकट बांध परियोजना का निर्माण कर रही है गोदावरी। अब हम बात करते हैं महानदी की, यह महानदी है। महानदी सबसे ज्यादा जल प्रवाह होता है कहां पर, उड़ीसा में। तो निकल कहां से रही है, अमरकंटक की सिहावा से। और महानदी किधर मुहाना इमर्ज कर रही है, उड़ीसा में। उड़ीसा में यह है हीराकुंड बांध है सबसे बड़ा बांध का निर्माण कर रही है। साथ ही साथ चित्रकपाड़ा और बरोज बांध का निर्माण भी कर रही है, कौन सी, महानदी।
महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। बात करते हैं कि बैतरणी, बैतरणी छोटा नागपुर का पठार, वहां से उड़ीसा के पास में मर्ज हो रही है बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा की बात करें तो झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से दंडकारा क्षेत्र है, और उड़ीसा के पास में बंगाल की खाड़ी में मर्ज होती है। बात करते हैं दामोदर, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक जो कि छोटा नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर में झारखंड से निकल रही है, और झारखंड से निकलती फिर ऊपर तरफ जाती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से फिर ये पश्चिम बंगाल के पास में ये बंगाल की खाड़ी में मर्ज होती है। इसको पश्चिम बंगाल में बंगाल का शोक कहते हैं, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। तलैया और कोनार बांध परियोजनाओं का निर्माण करती है, कौन सी? दामोदर। तलैया और कोनार बांध परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। एंड लास्ट है कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी क्या होता है कि जब गंगा आ रही है तो गंगा जब पश्चिम बंगाल में आती है तो गंगा से ही धारा निकल के आती है हुगली पश्चिम बंगाल में, और यह जब पश्चिमी बंगाल में आती है तो हुगली कहते हैं। और हुगली को जब यह मुहाना मर्ज करती गंगा सागर में तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और कलकत्ता के पास में बंगाल की खाड़ी में मर्ज करती हुगली। ये सारी की सारी नदियां क्या कर रही है? डेल्टा का निर्माण कर। डेल्टा क्या है? इस्तला करती है। ये डेल्टा बनता कैसे? इन नदियां का प्रवाह कैसा? मंद है, और मंद प्रवाह के कारण क्या होता है कि मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण होता है, परिणाम स्वरूप के कई वितरकाओं में जल बढ़ जाता है, तो किनारा कैसा होता है? छिछला कटा छटा होता है, उसी कटे छटे छिछले किनारे को ही डेल्टा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ इनकी सहायक नदियां भी हैं। दामोदर की बात करते हैं तो कोनार और बराकर दामोदर, ये बात। गोदावरी की बात करें तो पेनगंगा है, बेलगंगा है, वर्धा है और प्राणहिता है, इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की बात करें तो तुंगभद्रा सबसे बड़ी है, कोयना है, भीमा है, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, इसकी सहायक नदियां। कावेरी की बात करें तो अमरावती सबसे बड़ी सहायक नदी है, भवानी है और हेमवती है। महानदी की बात करें तो जोक है, ओक है, ब्राह्मणी है, मांड है और इब है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो ये तो तुम्हारा टॉपिक पूरा खत्म हो गया प्रायद्वीपीय नदियों का। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।